हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, iOS 16.3.1 की बैटरी लाइफ कैसी है, एक नए iPhone 14 Pro Max में इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इस अपडेट में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इस फ़ोन को मैंने 100% चार्ज किया था आज, और क्या बैटरी बैकअप है इस अपडेट में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। और ये एक बहुत सही टेस्ट रहेगा क्योंकि ये फ़ोन जो है वो लेटेस्ट है, मतलब एकदम नया ही फ़ोन है और मैंने इसको कल ही ख़रीदा था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने इसको 100% चार्ज किया था इसलिए, ताकि जो है मुझे सही सही जानकारी मिल सके कि इस फ़ोन का बैटरी बैकअप कैसा है। क्योंकि आज तक हम यही सुनते हैं कि जो iPhone 14 Pro Max है, यही वो एक ऐसा इकलौता आईफोन है जिसकी बैटरी लाइफ सबसे अच्छी है आज के टाइम पे। सबसे तगड़ा जो फ़ोन है वो यही है। तो इस वजह से iPhone 14 Pro Max को मैंने 100% जो है वो चार्ज किया था। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे गाइज इस अपडेट से। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका अपडेट है iOS 16.3.1 स्टेबल अपडेट है ये, ठीक है गाइज। अब हम यहाँ पर चलेंगे इस फ़ोन की सबसे पहले बैटरी चेक करेंगे। यहाँ पे इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो आप लोग देख लीजिए, वो है 100%। और यहाँ पे गाइस जो है इस फ़ोन का अगर मैं बात करूँ लास्ट चार्ज्ड लेवल, तो वो आज का ही है, यहाँ पे 2:47 सुबह का, और अभी रात के बज रहे हैं 11:35 हो रहा है रात का, संडे 5 मार्च। यहाँ पे अभी कुछ ही टाइम के बाद इस फ़ोन को जो है 24 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो बैटरी बैकअप है इतना ख़राब होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे गाइस आप लोग देख लीजिए, अभी 2 दिन ही हुए इस फ़ोन को, और यहाँ पे आज मैंने इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो मैंने इसमें 4 घंटे के आसपास जो है वो म्यूज़िक सुना। जब मैं सुबह उठा, वैसे मैं लेट उठा था 9:30 के आसपास, तब से मैंने इस फ़ोन में म्यूज़िक जो है एप्पल म्यूज़िक में यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में। इसकी जो गाने की क्वालिटी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो है गाने वगैरह भी डाउनलोड करके रखे हुए, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे आज मैंने गाने सुने, तो 4 घंटे तक वो ये भक्ति गाने जो है मैं सुनता रहा। और यहाँ पे देख सकते हो 4:20 तक आज जो है म्यूज़िक का इस्तेमाल किया है। 1.5 घंटे के आसपास मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कॉल वगैरह है वो 1 घंटा है, व्हाट्सएप 1 घंटा है, और इंस्टाग्राम 45 मिनट है। कैमरे का भी यूज़ किया है वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ट्विटर का भी यूज़ 18 मिनट किया है। Y2 Studio जो है मैंने अपना 12 मिनट यूज़ किया है। तो एक एवरेज जो बंदा होता है वो क्या यूज़ करता है, व्हाट्सएप यूज़ करता है, यूट्यूब यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, और इंस्टाग्राम यूज़ करता है, म्यूज़िक वगैरह भी सुनता है। तो यहाँ पे इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो आप लोग देख लीजिए, मात्र 6 घंटे का मिल रहा है, और अभी इस फ़ोन में जो बैटरी है वो 6% है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर सारी सही सही ऑनेस्ट जो है बातें करने वाला हूँ। 2:47 पर सुबह जब मैं इस फ़ोन को जो है इस म्यूज़िक में सुन रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा बैटरी इस फ़ोन की क्यों खपत हुई है। वाईफाई पे चल रहा था, और जो मैं एप्पल म्यूज़िक सुनता हूँ, गाने जो मैं सुनता हूँ वो मैं सुनता हूँ गाइस लॉसलेस की क्वालिटी पे। तो यहाँ पे जब आप इस क्वालिटी पे गाने सुनोगे, तो यहाँ पे इनकी जो अपना बैटरी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी मैं जो है स्ट्रीम करता हूँ गाने, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉसलेस की क्वालिटी में प्ले होते हैं, तो बैटरी जो है वो ज़्यादा ड्रेन होती है। मुझे यही सबसे बड़ा रीज़न लगा जिस वजह से इसकी जो बैटरी है वो मुझे लगा इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो ड्रेन हुई है। क्योंकि जब आप म्यूज़िक जो है लॉसलेस की क्वालिटी में सुनोगे तो बैटरी ज़्यादा ख़त्म होती है फ़ोन की। और यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है जो एक आम आदमी करता है, और जो है मैं एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही मैंने इसमें बिल्कुल भी गेमिंग की है और ना ही कुछ। हाँ, यूट्यूब जो है यूज़ किया है, इंस्टाग्राम यूज़ किया है, और ब्राउजिंग भी अभी थोड़ी देर मैंने की है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अभी जो फ़ोन की बैटरी है वो 6% आ गई है। इस फ़ोन को मैंने आज जो है जब मैं बाहर गया तो वाईफाई इसका बंद था, मैंने मोबाइल डाटा का यूज़ किया, और यहाँ पे जो इसका ब्राइटनेस था तो वो ऑटो पे था, और यहाँ पे मैंने कोई भी डार्क थीम या फिर लो पावर मोड का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रू टोन जो है वो ऑन किया, और यहाँ पे गाइस जो है मैंने बैटरी जो है वो लो पावर मोड यूज़ नहीं किया, मैंने नॉर्मल मोड में इस फ़ोन को चलाया और चेक किया कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो बैटरी बैकअप है स्क्रीन 6 घंटे का दिख रहा है, और मान लीजिए अभी 6% बैटरी है इस फ़ोन की, तो आधे घंटे और ये फ़ोन चल सकता है। तो यहाँ पे 7 घंटे का बैटरी बैकअप मेरे हिसाब से iPhone 14 Pro Max दे रहा है, बहुत कम बैटरी बैकअप ये लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा बैटरी बैकअप अच्छा मुझे iPhone 13 का मिल जाता है। बट हाँ, मैं उसमें Apple Music का इस्तेमाल जो है वो नहीं करता हूँ। यहाँ पे अगर बात करूँ और क्या चीज़ें मैंने की है, तो इस फ़ोन में मैंने बहुत सारी तो नहीं, बस थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह बनाई है, क्योंकि आज मैं इस्कॉन गया था, तो वहाँ पर मैंने जो है अभी आपको दिखा रहा हूँ कुछ फ़ोटोज़ जो है मैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे गाइस, यहाँ से मैंने कुछ वीडियोस बनाई, अपना इस्कॉन द्वारका में गया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक की, आप लोग देख सकते हो।
आज की फ़ोटो है, यहाँ पे अगर मैं डेट आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे टुडे 5:02 पे है शाम के टाइम की। तो यहाँ पे आज जो है आप लोगों को पता होगा कि जो है रथ यात्रा थी, तो यहाँ पे मुझे अपना मिले थे अमोघ लीला दास प्रभु जी। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी 15-15 सेकेंड 22-22 सेकेंड की कुछ मैंने वीडियोज़ भी शूट करी हैं, और ये आप लोग देख सकते हो मेरी मुलाकात हुई थी आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई थी जो कि आप लोग देख ही सकते हो, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाई थी। एक वीडियो 4-5 मिनट की थी जो मैंने शूट की थी, बाकी टोटल 10 मिनट मैंने वीडियोज़ जो है, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे कैमरे का यूज़ इतना ही एक आम आदमी करता है, इससे ज़्यादा तो करता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है काम मैंने नहीं किए, बट जो नॉर्मल बंदा करता है वही सारी चीज़ें किए। तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है इस अपडेट का वो मुझे अब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ एप्पल से मुझे उम्मीद है कि जो iOS 16.4 अपडेट होगा स्टेबल वाला, उसमें बैटरी बैकअप जो है हमें बहुत अच्छी मिलने वाली है। सो अगर आपके आईफोन में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है बैटरी बैकअप से रिलेटेड, या फिर ओवर हीटिंग से रिलेटेड, या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो वो आपको जो है आने वाले अपडेट में जो है वो एप्पल जो है फिक्स कर देगा। आई होप जो है सब चीज़ें जो एप्पल धीरे धीरे अपडेट में आते ही फिक्स कर दे, ताकि हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना हो। सो अगर आपके पास आप कोई भी आईफोन है और ये स्टेबल अपडेट यूज़ कर रहे हो iOS 16.3.1, सो आप बताइए कि आपके फ़ोन में कैसा चल रहा है। बाकी जो है गाइस, आने वाले अपडेट्स में आपको जो है बताता रहूँगा कि कौन से अपडेट आपके लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।